अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बादामों का शरबत बनाया जिसको हम 1 महीने से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, तो उसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो चलते हैं अभी रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, ये देखिए, सबसे पहले मैंने 400 ग्राम बादाम लिए हैं जो कि मैंने पहले पानी में भिगो दिए थे। उसके बाद मैंने इसका छिलका उतार लिया सबका, ठीक है। इसको अब हम इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट बनाने से पहले ना, बादाम का पेस्ट बनाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने बॉटल्स जो है ना, इस तरह की जो मेरे पास पत्ती वाली कोई भी घर में हो ऐसी, तो उसको मैंने, आपके पास जो भी हो ना, तो आप उसको धो के यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने धो लिया था, धो के उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, क्योंकि बादामों का जो शरबत है मैंने इसमें डालना है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बादाम इसमें डाल दिए हैं। मैं इसको इसका पेस्ट बना लूँगी। जितने मेरे बादाम थे उससे जो है हाफ जो है पानी में डाल के इसको पेस्ट बना लूंगी। इसका पेस्ट बना के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी पेस्ट बन गई है, अब हम इसका शरबत बनाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने 2 किलो चीनी ली है। 400 ग्राम हमारा बादाम है और इसके अंदर 2 किलो चीनी हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर अगर 2 किलो चीनी है और 2 लीटर ही पानी पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से इसको मिक्स करके, जब तक ये चीनी इसकी पिघल नहीं जाती, मेल्ट नहीं हो जाती, इसमें पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाती, तब तक हम इसको पकाते हैं। साथ साथ हम इसका चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए मैं साथ साथ चम्मच चला रही हूँ, जब तक ये चीनी पिघल नहीं जाएगी। चलो, चीनी पिघलती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, लेकिन इसको बॉयल अभी तक नहीं आया, क्योंकि चीनी यहाँ पे ना बारीक होती है, जल्दी मेल्ट हो गई है। तो अब इसको जो है ना, पहले बॉयल आने तक वेट करना है, और बॉयल आने के बाद इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर इसके अंदर बादाम का पेस्ट डालते हैं, ठीक है। चले फिर इसको बॉयल आते हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये देखिए इसको बॉयल आ रहा है, अब इसको मैं 5 मिनट तक पकाऊँ, या तब तक पकाना, ये थोड़ा सा ये थिक हो जाए। चलो ठीक है, ये मैं पकाती हूँ तो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये देखिए हमारा थोड़ा सा ही ठीक हो गया है, 6-7 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर बादाम का पेस्ट डालने लगी हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने सारे बादाम इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। बहुत गर्मी है, ये हर घर बेशरबत होना चाहिए। जितनी गर्मी पड़ रही है ना, बंदा बेहोश होने वाला हो जाता है। चलिए 5 मिनट पका के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसको बॉयल भी आ गया और इसको 5 मिनट भी हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून जो है ना इलायची पाउडर ऐड करने लगी हूँ। इसको मैं फिर 5 मिनट और मज़ीद पकाऊंगी, फिर इसके बाद हमारा ये शरबत रेडी है। ये देखिए मैं इसको पका रही हूँ, भाई 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये तो मैंने 2 किलो चीनी का बनाया ना, और 2 लीटर पानी पड़ा इसके अंदर, और 400 ग्राम बादाम थे। तो आप इसे हाफ ही कर सकते हैं, 200 ग्राम बादाम हो जाए और 1 किलो चीनी और 1 लीटर पानी, ठीक है। आप इसे हाफ कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा करना हो तो मज़ीद इसकी क्वांटिटी हम डबल कर देंगे, ठीक है। इसी के एज इट इज़ फॉलो इसको करना है। देखिए फ्रेंड्स, इतनी अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि अभी बादाम लेके आए बाज़ार से, और सब लोग शरबत बनाए, जितनी गर्मी पड़ रही है ना, बस अपने आप को खुद बचा के रखें। बाजार के तो शरबत पीने हैं, बंदा खुद बना ले, इतना टाइम ही नहीं लगता। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें, ये हमारा रेडी हो गया है।
अब इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ। देखिए कितना जबरदस्त ये रेडी हुआ है। ठीक है, अब इसका चूल्हा जो है ना, मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया। अब इसको हम ठंडा होने पे बोतलों के अंदर डालते हैं। जब ठंडा होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर मैं बोतलों में दिखा के भी आपको, बोतलों में डाल के ना फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम बोतलों में डालते हैं या डब्बों में, और फिर हम इसको फ्रीजर में रख के काफ़ी देर तक सेव कर सकते हैं। सेव, तो मैं बोतलों में डालती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बोतलें धो के रखी हुई हैं। अब ये ना देखिए, कोई पत्ती वाला डिब्बा है, कोई किसी वाला डिब्बा है, कोई किसी चीज़ और वाला डिब्बा, बस ये नहीं देखना। तो अपनी बचत करनी चाहिए चीज़ों की, ये नहीं कि हर चीज़ बाज़ार से लेके आनी है। तो ये भी डिस्पोजिबल चीज़ों का ही हिसाब होता है, यूज़ की और चीज़ें फेंक दी, हमारे काम आ जाती हैं। अब मैं इसके अंदर डाले ना, क्यों, बस इसके ये होता है कि एक तो ये अंदर से खुश्क हो, बिल्कुल थोड़ी सी भी नमी ना हो, ठीक है, इसको अच्छी तरह खुश करना है। ठीक है, और डालते हुए ना ये बाहर भी लग जाता है, इसका ध्यान रखना है। वो भी हम इसको जब डाल देंगे ना, फिर इसको कवर करके ना, कवर करने के बाद फिर इसको हम अच्छे से बस धो लेंगे, फिर हमारा डिब्बा बिल्कुल साफ हो जाएगा। मैं इसको डालने लगी हूँ, आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए मैं इसको अंदर डाल के ना, देखिए अंदर ही इसको मैं ना डाल रही हूँ, ताकि जो भी इसका जो एक्स्ट्रा नीचे गिरे तो यहीं पे गिरे, क्योंकि इससे अगर नीचे गिर गए, क्योंकि इसके अंदर वो मीठा होता है ना, तो नीचे गिर गए तो बड़ी वो ख़राब हो जाती है जगह। ठीक है, अब इसको साइड से जगह हम साफ कर लेंगे बाद में। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे 3 डब्बे रेडी हो गए हैं। मैंने इसको, जो इसकी क्वांटिटी थी वो आपको पता है, इतनी क्वांटिटी में मैंने इतने डिब्बे बनाए हैं माशाल्लाह से। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी और ये स्टोर हो जाएंगे। जब जब भी आपका दिल करे पीने को, तो इसको नीचे रख दे थोड़ी देर के लिए, और ये फौरन ये जो है मेल्ट हो जाता है, और हम इसको पी सकते हैं। अब मैं ये जो देखती हूँ, थोड़ा सा पड़ा हुआ ना, इसको हम ग्लास में डालते हैं, मैं बताती हूँ कैसे इसका शरबत बना के पीना है। तो पहले देखिए, अब हम इसका शरबत बनाते हैं। पहले इसके अंदर इस क्यूब डालेंगे, पानी अगर ज़्यादा ठंडा तो इसकी भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर थोड़ा सा शरबत ऐड करते हैं। अब इसके अंदर देखिए मैं पानी डाल रही हूँ, इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना ये। अच्छा, बाकी जो देख जाए ना ये वाला, इसके अंदर मैं बाकी पानी डालने लगी हूँ। इसका इतना ज़्यादा ये बन जाना है, इसको भी वेस्ट नहीं करना। पहले इसका अच्छी तरह से हम इसको साफ कर लेंगे, बाद इसको ये पी लेंगे, और बाद में जो है ना हम इसको देखे को धो लेंगे। फिर देखिए हमारा टेस्टी शरबत रेडी हो गया है। जो बाज़ार से जो मंगवाने हैं, घर में बंदा प्योर बना के खा पी लेता है, तो ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।